गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू रमन चार ब्लॉग्स। टुडे वी आर एट आवर डे 3 ऑफ आवर ट्रिप। और यार ये सीन देखो, ये सुबह के बजे हुए हैं 9, और कल सुबह के बजे 9 बजे धूप इतनी तेज निकली हुई थी, आज तो पक्का लग रहा है बर्फ गिरेगी ही गिरेगी। ये यार होटल के बाहर का सीन देखो, अगर रात को अच्छे से ना दिख पाया हो तो। बाकी यार सूरज दिखाते हैं आपको आज। ये सूरज है यार, और धूप बिल्कुल नहीं आ रही। शिबू नजर बढ़िया, शिबू नजर बढ़िया, कड़ी चीज। गूगल कर लो, गूगल प्ले प्ले लिकड़ लिए हैं भाई। बन्ने तो दिखा दो कोई सा, मुझे पकड़ नुए पकड़। हाँ यो लकड़ लिए हैं भाई, बस लकड़ लिए लकड़ लिए। अरे हिंदी में टिप नहीं कहेंगे क्या? गले चेंज भाई, जब जाम में फंसे हो कुछ नहीं करने को हो तो अपना ओमेगा निकालना और उस पे कॉल करना। सिपो भाई लगे हुए हैं, कंप्यूटर में चलता है। नहीं नहीं सारे की तक चल रहा है। आ गया आ गया आ गया, मैं चलने वाला है भाई। ना इल्हाग मोहम्मद, अरे इजिप्ट का बंदा है वो, तरीके इस तरह अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। अबे ठीक है, तू ला बड़ी शक्ल दिखा रखी सी, वो दिखा रखे नहीं हो ना। अरे उसमें लिख देना ओट क्वीन 121 है भाई। ब्लॉग शुरू हो गया है, बर्फ पड़ रही है और इंजन में तो धुआं निकल रहा है, गाड़ी गर्म हो चुकी है। इसमें करवाते हैं, ओए बंद कर दे इसमें, एक बार साइड में लगवा के वो करवाते हैं, बर्फ गिरवाते हैं भाई। सीन हो गया, गाड़ी में वो निकल रहा है धुमा और बर्फ बर्फ पड़नी शुरू हो गई है। अरे पानी ना होगा ना बर्फ में, वो इंजन क्लच दबाए रखा होगा इन्हें खड़ी में। हाँ वो इस मारे होगा ना, बर्फ बदले भाई। करना चाहिए था या ना करना चाहिए था, लेकिन बर्फ फेंकती है भाई। इसमें याड़े का धुमा है, पिघल की भाई, तुरंत पिघल गई। गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी, बाकी कूलेंट वगैरह पक्का है। हेलो निकल गए, निकल गए भाई 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 भाई, 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 भाई क्या कर रहा है ये, रुक जा रुक जा। अरे भाई तू जल्दी से हो जा, मैं कहां फिर दादा रुक जा, अभी एक बार उस साइड ये इंजन चीज कराएगा, देखिए ना हो। अरे बस बस और मत करियो, रहने दे भाई, रहने दे, ज्यादा हो जाएगी तो इतना डाला भाई इसने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी डाल दे, तू बैठ के डाल दे, तू भी डाल दे भाई, तू भी डाल दे। देखिए चेतन कदे हाथ ना जल जा, चलते रहना फिर रैंडम चलते। कहाँ जा रहे हैं कासम? पैराग्लाइडिंग करेंगे हम, पैराग्लाइडिंग सबको दिखाएंगे, फुल मजा आएगा। वो क्या दिखाता है ये, फुल देख लो। ये क्या क्या हो, ये फूल है यार, फूल कुछ ना, ये है ये बवासीर का फूल है मेरे भाई, किसी के बवासीर हो रखी हो ठीक है, इसको गलत ले वे मत लेना, इसकी चटनी बना के खाई जाती है। अच्छा सीरियसली कह रहा, मजाक कर रहा है? सीरियसली है भाई, अच्छा। भाई सीरियसली है या पता नहीं क्या है, चटनी बना के खा के देख लेना। भाई यहाँ का एक कैडा सिस्टम है, वो कैसा सिस्टम है कैडा है? जो भी आ रहा है कानों में, शिलाजीत केसर, शिलाजीत केसर भाई, सांडे का तेल मिलेगा। सिर्फ शिलाजीत केसर मिलेगी शिपू, प्लीज घुस दो थोड़ा मैम, मैम करना तो है ही, करना तो है ही मैम, बट ना पर्स चार्जेस थोड़ा सही से बता दो। आई अंडरस्टैंड मैम, आई अंडरस्टैंड, बट आप ऐसा करो 3000 भाई, अल्ट्रा लेवल मैक्स प्रो स्किल्स कुछ कीजिए आपके लिए, इतना करा वाले कुछ कीजिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मैम, करनी है गाइड भेज दो, लेकिन 3000 कहते बोल मैम आपके बच्चे जैसे 3000 समझो। चलो 2 मिनट होगा फिर मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता दूँ भाई। यहाँ पे 3200 रुपये में डील डन की है सिबू भाई ने, इसमें ऊपर लेके जाएंगे, कोई पैदल नहीं चलना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे और वहां से पैराग्लाइडिंग करते हुए आएंगे। हम 3 लोग कर रहे हैं भाई, अच्छा
गाइस बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, ये आकाश को देखिए, इसकी टाटा पे देखिए, दिख रही है? हाँ दिख रही भाई, बिल्कुल बढ़िया बर्फ पड़ रही है यार, सेक्सी मस्त। और हमने पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए बुक कर लिया है और वो वहां पे आ रहे हैं। हम उड़ेंगे वाले हैं, अब हम थोड़ी देर में हवा में उड़ेंगे ऐसे ऐसे। अब जल्दी आ जाओ। क्या है भाई ये? क्या है भाई ये? रैबिट है। रैबिट? ये इतना मोटा पहाड़ी रैबिट? पहाड़ी रैबिट तो रैबिट भी अलग ही चल उसका लग रहा है। तो 3500 पर हेड के अलावा यार 500 रुपए इस चीज के भी मांग रहे हैं ये लोग कि अगर आपको वीडियो वगैरह बनवानी है और फिर वीडियो को फोन में डालेंगे। बात की बर्फ वगैरह देखो ना, ना बर्फ की बात ना करो ना, मैं कह रहा हूँ ये ऊपर कैसे लेके जाएगा इस मशीन से? इसमें? हाँ इसमें से। आकाश गोन कैडी चीज फ्रॉम नंगड़ी नगवगढ़ दिल्ली तरतालीस। देखो भाई ऊपर चढ़ते हुए देखने में तो अगर बर्फ पड़ रही है बढ़िया बाहर दिख रही है भाई। देख जियो का नेटवर्क ले यार कहीं पे। 80 किलो वाला कौन है? 80 आए लाए, ये 76 किलो है। 80 का मैं हूँ भाई, आपस में अब देख लेना भाई तुम कैसे करोगे। तुम तो दो ही हो। दो ही नहीं, ऊपर दौड़ने वाला चाहिए हमारे को। हम तीन को तीन भी उठा लेते हैं, दौड़ने वाला नहीं हुआ तो एक भी नहीं उठता है। हॉटस्पॉट बंद कर ले रहा है, हमें दौड़ना पड़ेगा। तब क्या नहीं, इसके पीछे चलो भाई। यहाँ पे ऊपर उतर गए हैं, इसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं। बर्फ पड़ी हो रही है यहाँ पे जबरदस्त, स्नोफॉल देख के बिल्कुल मजा आ गया यार। भाई जबरदस्त बर्फ चल रही है यहाँ पे, ये देखो आप। चल 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 भाई सिब्बू, चलने दे। भागो कैमरा ऑन कर दियो। भाई मस्त पहाड़ों में क्या जबरदस्त सीन है। ओ जय बजरंग बली, ये तो भाई मस्त मजा आ गया यार। ओ असीम शांति है भाई यहाँ पे। क्या वो है, ये हम हिमालय में है भाई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। नीचे मस्त सीन चल रहा है, भागा था यार मैं, फिर मैं और भी भाग लेता, मन सोची उड़ गए, फिर देखा था नीचे आ गए, फिर बादल ते ही पैर रखे तो वो ही ना। इसमें कोई एज लिमिट भी होती है?
नीचे जा रहे हैं लेकिन जाने का मन नहीं हो रहा, पैर सीधे करते होते हैं ना यार, नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा लेकिन जाना पड़ेगा हमें। हाथ फील होने बंद हो गए हैं भाई आगे के, नखून वगैरह सब कुछ लाल पड़ गया है बिल्कुल। बता दियो ठीक है, कर लू क्या भी नहीं। यो गाइस वी आर लैंडिंग, अरे चचुद्रो नीचे था अटले, यो 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 जब ही रुक गया फिसड़ते ना गए क्या भाई, पैराग्लाइडिंग करके नीचे आ चुके हैं। हमारे साथ है मिस्टर आकाश। बहुत मजा आकाश, कैसा एक्सपीरियंस था भाई? मजा आया बट एंड में मैं थोड़ा अजीब सा रहा, मतलब समझ नहीं आया ऑक्सीजन लेवल वो एकदम से काफी टेंपरेचर हाई हो गया। मैं नीचे आया ठीक था, मैं खड़ा होके वहां तक गया शॉप तक, सब ठीक था, वहाँ हाथ मेरे सुन हो गए तो भुट्टे की दुकान में हाथ से हाथ से एकदम से अजीब सा हुआ मेरे को, मतलब बीपी लो हो गया, समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर मैं आगे तेरे सामने लेट गया, मतलब बैठ गया सीधा मैं। बाकी यार अपना सिस्टम पूरा सिस्टम पार दिया सिस्टम हैंग कर दिया भाई, जबरदस्त मस्त फीलिंग थी। ये हवा के अकॉर्डिंग से यार टाइम होता है, जैसे अभी बर्फबारी ऊपर काफी तेज हो रही थी तो उस वजह से इन्होंने हमें 5 मिनट कराई। अच्छी हवा चल रही हो उससे 10 से 12 मिनट हो जाती है, इतनी मिनट भी हो जाती है, लेकिन बहुत अंत लेवल का मजा आ गया यार, बिल्कुल जबरदस्त। बोल तो यार मनाली में सब कुछ कर करा के पैराग्लाइडिंग वगैरह कर ली, बर्फ वगैरह देख ली, आगे तक काफी आगे तक चले गए हम, कीलोंग तक गए थे, सिसु चले गए देख क्या लिया, बाकी और जगह भी और कित गए थे चेतना, सिसु था अटल टनल था, सिसु आया फिर कीलोंग आया, उससे आगे यार जाने नहीं दे रहे। बाकी हमने एक्टिविटीज वगैरह भी की, काफी फन किया। अभी हमारे सिब्बू भाई का बड़ा मन है यार, मणिकर्णा में कोई गुरुद्वारा है सिब्बू भाई वहाँ पे काफ़ी टाइम से जाना चाह रहे हैं, तो सिब्बू भाई की हार्दिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मणिकर्ण जा रहे हैं भाई। कहाँ पड़ता है सिब्बू भाई? मणिकर्ण चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है ये, बस इतना ही? नहीं नहीं भाई इतना नहीं ना, अब वहाँ जाके फन करेंगे, उसके बाद वहीं पे दिखाएंगे गाइस को क्या आएगा क्या नहीं। गुरुद्वारे में कौन सा फन करेंगे? हम अपने आप कर लेंगे सिब्बू भाई, अपने आप फन करा देंगे, फुल ऑन फन है ना भाई सिब्बू। सादा भाई चंगा, रात को सोए और सोई सिस्टा बढ़िया अपने भाई। ये भाई ने केक हो इसने तुम यार जो ये बना रखा क्या है? ये अंगीठी बुखारी भाई, इस बुखारी में मस्त चल रहा है, आग पे बैठे हुए हैं, अंगीठी बुखारी, अरे उक्का चल रहा है बढ़िया। सेबो ये मनीष भाई चेतन सेबो कैडी चीज और भाई हेलो और भाई भाई अब सीधा अपने घर निकलेंगे भाई, रात के कितने टाइम हो गया? 6:42 हो गए भाई, आज पौन घंटे बाद निकलेंगे और फिर घर पहुंच के आपको अपडेट करते हैं। कैसी मेरी वीडियो कैसी लगी आपको? हम भी बेरोजगार है, हम भी बस कमाने के लिए आए हैं। अरे मस्त, मेरी YouTube चैनल की वीडियोस कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगे भैया, सबको बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भैया सब, नहीं तो हुक्का पीने जरूर रहे हमारे लिए आइए सेस्टा। तो यार हम पहुंच चुके हैं दिल्ली और भाई बिल्कुल मस्त मजा आ गया, गाड़ी ने एवरेज दी है 13.2 की, जो कि यार काफी बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। लेकिन यार हाँ पेट्रोल भी है और फिर भारी गाड़ी है, बहुत सही एवरेज दे दी, लेकिन यार वहाँ पे दिल टूट गया। वैसे तो वहाँ पे जितनी भी गाड़ी थी मैनुअल
लगभग हर दूसरी गाड़ी की क्लच प्लेट फूकी हुई थी। लेकिन हमें टाटा हैरियर थी उसका बोनट खुला हुआ था और एक वो इनोवा था उसके भी खुला हुआ था बोनट तो। लेकिन महिंद्रा से ये उम्मीद नहीं थी हमको, महिंद्रा पे हमें कुछ एक्स्ट्रा भरोसा था। चलो खैर कोई नहीं यार, आज के ब्लॉग को यार यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना साथ बनाए रखना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।